हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनुमान जी मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर गाजे बाजे के साथ मूर्तियों का नगर प्रवेश हुआ। आमंत्रण पत्रिका का हुआ विमोचन। शिवगंज के शावणी क्षेत्र में श्री हनुमान जी मूर्ति स्थापना एवं शिव परिवार मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 जून से शुरू होगा। इसे लेकर शुक्रवार को प्रतिष्ठित होने वाली मूर्तियों को जयपुर से लाकर नगर प्रवेश कराया गया। सवेरे 8 बजे DJ के साथ श्री ओम नमो हनुमते सेवा मंडल के पदाधिकारियों, सदस्यों व गाँव के श्रद्धालु जन नाचते गाते ढोल धमाकों के साथ पुलिस थामने के सामने ने आकर अम्बा जी मंदिर पहुँचे, जहाँ पंडित द्वारा प्रतिष्ठित होने वाली मूर्तियों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। ओम नमो हनुमते सेवा मंडल अध्यक्ष भवरलाल परमार ने बताया कि हनुमान जी मंदिर परिसर से अम्बा जी मंदिर तक DJ की धुन पर नाचते गाते महिलाएं और पुरुष पहुँचे, जहाँ से मूर्तियों के साथ पुनः घाची समाज मंदिर के लिए रवाना हुए। ये यात्रा अम्बा जी मंदिर से पेचका सलोदरिया वास से होते हुए घाची समाज धर्मशाला पहुँची। यात्रा में महिलाएं व पुरुष गले में दुपट्टा पहने DJ की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। बीच बीच में महिलाएं नृत्य भी कर रही थी। यात्रा के धर्मशाला पहुंचने पर मूर्तियों का सोमैया किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में हनुमान जी की पुरानी मूर्ति की स्थापना करवाई गई। मंदिर परिसर में सभी श्रद्धालु जन एकत्रित हुए, जहां जाजम का मुहूर्त किया गया। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन हुआ। छावनी में श्री हनुमान जी मूर्ति स्थापना एवं शिव परिवार मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी को लेकर छावनी को दुल्हन की तरह सुशोभित किया गया। छावनी के मुख्य मार्गो का प्रवेश द्वार माला मंडप और रोशनी से सजाया गया। कुमावत धर्मशाला में यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 2 जून को गणपति पूजन, कलश यात्रा व दोपहर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रात में भजन संध्या एवं 3 जून को हल्दी रस्म, विनायक पूजन व शिव जी का ब्यावला गाया जाएगा। रात में महावीर सांखला व सरिता खारवाल एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां होगी। वहीं 4 जून को सवेरे शुभ वेला में मंदिर में साधु संतों के सानिध्य में विधिवत रूप से पंडितों द्वारा हनुमान जी व शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना करवाई जाएगी। महाप्रसादी के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जागरूक TV से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।